चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमला के बाद बालाघाट एसपी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद सीमा से लगे बालाघाट जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रशासन ने सतर्कता बरते हुए छत्तीसगढ़ सीमा से लगे बालाघाट मंडला और डिंडोरी जिले में अलर्ट घोषित किया गया है और सीआरपीएफ व हाकफोर्स के साथ पुलिस जवान की भी तैनाती की गई है। छत्तीसगढ़ से सटे बालाघाट में प्रशासन ने सतर्कता के निर्देश दिए हैं और जहां पर नक्सलियों की गतिविधियां ज़्यादा रहती है वहां पर सीआरपीएफ हाकफोर्स और पुलिस बल की तैनाती की गई है जो नक्सलियों की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखेंगे। वहीं एसपी समीर सौरभ ने जानकारी में बताया कि दंतेवाड़ा की घटना बेहद ही दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ व हाकफोर्स के कैंप में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैंप को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क में पिछले माह में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सफलता मिली है जिसमें नक्सलियों की मूवमेंट कम दिखाई पड़ रही है। नक्सलियों की मूवमेंट पर हमारी पैनी नज़र है। दंतेवाड़ा की घटना डेफिनेटली काफ़ी संवेदनशील है, हमारे लिए भी दुखद घटना है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि इस तरफ मूवमेंट बढ़ेगा, हम लोग बॉर्डर्स को खासकर इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑपरेशन के थ्रू काफ़ी प्रोटेक्शन वहाँ पे देकर रखा है हमने, और अपने फोर्सेस को अपने जो भी कैंप्स हैं सीआरपीएफ के कैंप्स हैं अथवा हॉक के कैंप्स हैं उन सभी में अलर्ट जारी किया हुआ है। कैंप से मूवमेंट को लेकर, व्हीकल मूवमेंट को लेकर, कैंप के प्रोटेक्शन को लेकर एसओपीज हमने शुरू में ही जारी करके रखी हैं कि किस तरह से मिनिमम कैजुअल्टी के साथ हमारे ऑपरेशंस हो। कान्हा को लेकर जैसे अभी लास्ट वीक ही एक अच्छा इनकाउंटर हुआ है तो उसमें डेफिनेटली मूवमेंट में काफ़ी कमी आएगी और आ भी रही है। यदि उस तरफ से मतलब छत्तीसगढ़ के तरफ से मूवमेंट इस ओर आता है तो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस हम लोग उसमें ऑपरेट करते हैं। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।